ये हमारा देख लो क्या हाल हो रहा है, हमारे बच्चे का क्या बुरा हाल हो रहा है, हम परेशान परेशान हुए। बिल्कुल सुनवाई नहीं, अगर सुनवाई यहाँ अभी तो बारिश हुआ है तो इतना पानी भरा है, बारिश नहीं हुई होती है तो यहाँ पानी भरा रहता है। तो देखिए आज हम आपको जीरो ग्राउंड की वो साफ तस्वीरें दिखाएंगे जहाँ केजरीवाल जी उनकी सरकार लगातार बोलती है कि दिल्ली बहुत साफ हो चुकी है, दिल्ली में बड़ा काम हो रहा है। ये झीलों की नगरी किस तरीके से बनी हुई है, कूड़ों का अभी नजारा तो हमने आपको दिखाया, अब ये झूलों की नगरी देख लीजिए जहाँ मुझे खुद स्वयं जूते उतार करके इस एरिया को पार करना पड़ रहा है। सोचिए यहाँ पे जो लोग रहते हैं वो अपनी जिंदगी को किस तरीके से व्यतीत करते हैं। मानसून का समय है, हाल ही में खबर आई थी अभी कल दिल्ली में एक महिला रेलवे स्टेशन पे करंट लगने से मौत हो गई। ऊपर ये तार देख लीजिए, नीचे पानी है, ऊपर ये तार देख लीजिए, अगर इसमें से एक भी करंट उतरता है तो यहाँ पर आम जिंदगी जीने वालों के लिए कितना मुश्किल है ये आप खुद समझ सकते हैं। आगे चलिए, रोड देखिए पहले, रोड कैसा है। हम आगे चलते हैं और आपको दिखाते हैं तस्वीरें। अरे झोपड़ी पर कितना तार केबल रखे हुआ, कई बार फोन करके बोलवाए, आता मिस्त्री कहता कि बोलाओ आगे से, आगे फोन करो, आगे बोलाओ, हम किसको बोलाएं, हम अकेली औरत हैं, हमारे घर में कोई नहीं है, ना बाल ना बच्चा, हम इतने परेशान रहते हैं। अब बताएं घर में भी ये सब में, हट गया बेटा देखो सारे में पानी भर गए, देखिए है कि नहीं है भरा हुआ, ये इस घर में देखिए, ये इस घर में देखिए उनके भरा हुआ, ये देखिए वहाँ गड्ढा करके हम पानी उपछ रहे हैं। किस तरीके से जो है तस्वीरें हैं, ये लोहे का जीना है, ऊपर वायर है, नीचे पानी है। अब आप देख लीजिए अगर जरा सा भी करंट उतर करके आता है तो लोगों की जिंदगी के साथ ये मौसम और सरकार किस तरीके से खेल रही है आप देख सकते हैं। मैं अपने कैमरामैन को बुलाना चाहूंगी कि वो आए और आपको यहाँ की वो तस्वीरें दिखाएं कि किस तरीके से पूरी गलियां जो हैं जलमग्न हो चुकी हैं। क्या बताएंगे काका? भाई जी बड़ा बुरा हाल है, सारे बच्चे रात भर पानी में सोए, जिस दिन बारिश आई उस दिन बड़ा बुरा हाल रहा हमारा। अभी आगे गली है लबालब भरी वाली है, अभी रात को हमने मोटर लगा के खाली किया है और उसका वीडियो बना के भी रखी है। बोला एमसीडी लोगों को बोला, हम लोग कहाँ जाए मैडम, हमको तो कोई जानता ही नहीं है, वोट मांगने आ जाते हैं। मैडम भेजिएगा तब यह सब तर जा सकता है। ये हमारा देख लो क्या हाल हो रहा है, हमारे बच्चे का क्या बुरा हाल हो रहा है, हम परेशान परेशान हुए, ये बैठे हुए हैं, खड़े हुए हैं, उनके घर में देखो कैसे रखे हुए हैं, देखो कैसे कर रख रख के कर रहे हैं। अंदर तक पानी भरा हुआ था जो कि अभी इन लोगों ने साफ किया है, वो साफ हो गया और वो देख सकते हैं आप किस तरीके से वहाँ पर सफाई हुई और उसके बाद उस कूड़े को निकाला गया है। क्या बताएंगे? देखिए मैम आपके सामने जो भी है, शिकायत करी इसकी, अभी हम तो किस जानते नहीं किसको शिकायत करें, सुनवाई नहीं होती मैडम, सबकी सुनवाई बिल्कुल नहीं होती, बिल्कुल सुनवाई नहीं, अगर सुनवाई यहाँ अभी तो बारिश हुआ है तो इतना पानी भरा है, बारिश नहीं हुई होती है तो यहाँ पानी भरा रहता है हमेशा, बच्चों को परेशानी आप देख ही रहे हैं, और जब हम कहने के लिए जाएंगे एमसीडी को बोलेंगे या किसी के जरिए भेजा जाएगा, आपके सामने अभी वो लड़का वहाँ पे दिखाया था, अभी कोई मतलब सुनवाई अगर होता तो मैडम आके वहाँ का कूड़ा और यहाँ गली के क्या नाम नालियाँ कहाँ बनी हुई है, नाली बिल्कुल बोलवाए हैं जो हम करवाया है प्लास्टर, वो अभी तक देखने नहीं आया और नहीं देख रहा है, कहीं ऊँचा कर दिया, कहीं गड्ढा कर दिया, कहीं कुछ कर दिया, सब तर का पानी आकर के यहाँ हमारे गेट पर भर गए बेटा। हाल ही में रोड बनवाई, हाँ कल ही तो भरा है, हाले भरा है, देख लो क्या हाल कर दिया हमारा, लेकिन नालियाँ यहाँ पर ऊंचा कर दिया, उधर ऊंचा कर दिया, इधर नीचा कर दिया, बनवाई गई नालियाँ नहीं बनवाई, नहीं कुछ नहीं, खाली ये रोड भर दिया है, गड्ढा कर दिया। इससे बड़ी झील आपको मैं आगे दिखवाता हूँ, इससे बड़ी झील और देखते हैं इस पूरे एरिया का, क्योंकि देखिए ऊपरी परत को चमकाने के लिए रोड तो बना दी लेकिन नाली की कहीं निकासी ही नहीं दी गई है, साफ तौर पर आप देख सकते हैं। आप देख रहे हैं सौगंध टीवी, सौगंध वतन की।